एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का अनुपात है, एक दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ये था आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड बर्तन, एक दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 का अनुपात है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि किसी तीसरे बर्तन में इनका अनुपात 1:1 का अनुपात हो जाए, या फिर तीसरे बर्तन में दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, 1:1 का अनुपात बोल दे, या दूसरी लाइन क्या बोल दे, दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए। बराबर बराबर का मतलब भी कितने का अनुपात है, 1:1 का अनुपात। कोई एक बर्तन है जिसके अंदर दूध कितना है 3 लीटर, तो पानी कितना है 1 लीटर, टोटल कितने लीटर का होगा बर्तन हमारा, 4 लीटर का, 3 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है, तो टोटल कितने लीटर का हो गया ये बर्तन अपना, 4 लीटर का। दूसरे बर्तन में 5 लीटर दूध है तो 7 लीटर पानी है, टोटल कितने लीटर का हो गया हमारा ये बर्तन, 5 और 7 है ये 12 लीटर का बर्तन हो गया। और हमें बनाना कितने लीटर का है, 1 और 1 है, होगी ये बात क्लियर। अब एक चीज देखो, जब ये बर्तन में ये 4 लीटर है, ये 12 लीटर, ये 2 लीटर, इसको मिलाऊं, मिलाने से पहले मेरे ये बर्तन एक जैसे होने चाहिए, सभी में दूध एक जैसा होना चाहिए, या तो सभी के अंदर 12 लीटर हो, या सभी के अंदर 4 लीटर हो, या सभी के अंदर 2 लीटर हो, लेकिन सभी के अंदर कैसा हो, एक जैसा दूध होना चाहिए, एक जैसा इसके अंदर सभी का। यदि इन तीनों का एलसीएम देखो तो कितना आना चाहिए, 12 है ना इनमें बड़ा, इनको सभी को 12 बना सकते हैं, 12 बनाने के लिए ऊपर वाले को कितने से गुणा कर दूं, नीचे वाले को कितने से गुणा कर दूं, और ये 12 है। अब आगे किसी भी एक टर्म को पकड़ लो बस, ये अगले बर्तन की ये पकड़ ली, 3 3 ये 12 है जी, 5 और ये 6 एकम है 6। अब इन दोनों का अनुपात 9 और 6, कितने का अंतर है दोनों में, 5 और 6 कितने का अंतर है, किस अनुपात में मिला दूं, 1:3 के अनुपात में मिला दूं, तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 का हो। पहले बर्तन का अनुपात था वो लिख दिया, दूसरे बर्तन का अनुपात था वो लिख दिया, जितने का बनाना है वो लिख दिया, लिख ली तीनों चीजें। जब तीनों चीजें लिखने के बाद अब मैं जाता हूं, ये देखता हूं भाई, ये तो मेरा 4 लीटर हुआ, ये मेरा 12 लीटर हुआ, ये मेरा 2 लीटर हुआ, मेरे को बस यही लाइन है एक मेन, तीनों बर्तन चाहिए एक जैसे चाहिए, तो कितने लीटर बना दूं, 12 लीटर बना दूं, 12 लीटर इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 लीटर का बर्तन है 3 से गुणा कर दूंगा, 4 3 12, 2 लीटर का बर्तन है 6 से गुणा कर दूंगा, 6 2 ये भी 12 लीटर, ये भी 12 लीटर, ये भी 12 लीटर हो गए, तीनों 12 12 12। अब तीनों इसको 3 से गुणा किया, किसी भी एक को पकड़ लो जो आपका मन करे, अगले अक्षर को पकड़ लो या पिछले को, लेकिन पकड़ना सभी का अगला पकड़ा है तो सभी के अगले, पिछला पकड़ते हो तो सभी का पिछला। अब इसका पिछला पकड़ लेता हूं, ये 1 को 3 से गुणा किया, 3 एकम है, पहला बर्तन हो गया, दूसरा बर्तन गुणा किसी से नहीं है 1 से, यानी 7 एकम है 7, और 6 एकम है 6। इन दोनों में अंतर कितने का अंतर है 3 और 6 में, और इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने के अनुपात में मिलाने, 1:3 1:3, अगला पकड़ा तब भी 1:3, पिछला पकड़ा तब भी 1:3, किसी एक को पकड़ लो रेशियो आ जाएगा, दोनों बर्तन इस अनुपात में मिलाने हैं, इस अनुपात में मिला देंगे तो ये रेशियो है। किसी एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 का अनुपात, किसी दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 का अनुपात, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध और पानी का अनुपात 2:1 का अनुपात हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन बर्तनों को एक जैसे करना है, पहले इनकी क्वांटिटी देखो, ये कितना है 4, ये कितना 1, टोटल कितने लीटर हो गया, 4 और 1 5, ये टोटल कितने हो गया, 5 और 3 8, ये कितना हो गया, 2 और 1 3, यानी अब मेरे को ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों 5 8 और 3 से भाग होती हो, 120 होगी ऐसी संख्या। अब 120 ऐसी संख्या होगी तो 5 को यदि मेरे को 120 बनाना है तो कितने से गुणा कर दो, देखो इन दोनों से गुणा कर दो, 8 3 24, इन दोनों से गुणा, यदि इसको बनाना है ये 120 बनाना, इन दोनों से गुणा, 5 3 15 से गुणा, इसको बनाना है तो इन दोनों से गुणा, 8 5 इससे गुणा करने पे बर्तन एक जैसे हो गए सर। अब बर्तन एक जैसे हो गए, एक अक्षर ये पिछला पकड़ लो, 24 एकम है 24, जिससे गुणा किया उसी से गुणा करो, दूसरा इसके साथ 15 5 40 एकम है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 16 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 35 का, तो किस अनुपात में मिला दिया हमने, 35 16 के अनुपात में दोनों बर्तनों को मिला दिया, तो मिश्रण कितने के अनुपात में बन जाएगा, 2:1 के अनुपात में बन जाएगा। दूध और पानी का अनुपात 6:1 का अनुपात है पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 3:2 का अनुपात है, और तीसरे बर्तन में 4:1 का अनुपात बनाना है, तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, देखो ये कितने लीटर का बर्तन है, 7 का, ये कितने लीटर का बर्तन है, 5 का, ये भी कितने लीटर का है, 5 का, सभी बर्तन एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए तो कितने लीटर का हो सकता है, 35 का, 7 5 35 35 35 के हो जाएंगे सारे, तो 5 7 को कितने से गुणा करूं, 5 से 5 को 7 से, और इसको भी 7 से,
जब इसको पांच से गुणा करूंगा तो पांच एकम है पांच, सात दूनी चौदह और सात एकम है सात, दोनों में अंतर कितने का दो का, दोनों में अंतर कितने का सात का, किस अनुपात में मिला दिया सात दो के अनुपात में मिला दिया। स्टेटमेंट को समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। तीन बर्तन जिनकी धारिता समान है यानी वॉल्यूम इक्वल है उनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः तीन अनुपात एक, पांच अनुपात दो और सात अनुपात चार है। यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। स्टेटमेंट सुनो एक बार, क्या बताया तीनों में ये रेशियो है। अब पहली लाइन क्या बोली थी, तीनों की वॉल्यूम धारिता बराबर हो। वॉल्यूम बराबर होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बराबर होने का मतलब है तीनों में एक जैसा लीटर सॉल्यूशन, यानी किसी में पांच लीटर है तो सभी में पांच ही लीटर हो, अगर सात लीटर है तो सात ही हो, बीस हो तो बीस ही हो, यानी तीनों के तीनों बर्तन कैसे होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए, ऐसा ना हो कोई तो पांच लीटर का कोई बारह का हो कोई नौ का हो, एक जैसी उनकी धारिता होनी चाहिए। ये बात थी वॉल्यूम एक वाला होने के मतलब। अब देखो तीन अनुपात एक का अनुपात, तो ये क्या लीटर का बर्तन हमारा तीन, ये एक ये चार लीटर का, ये पांच अनुपात दो का अनुपात है कितने लीटर का बर्तन है सात लीटर का, ये सात ये चार ये कितने लीटर का बर्तन है, क्या इनकी वॉल्यूम हमारी इक्वल है, नहीं है ना, ये तो चार लीटर का ये सात लीटर का ये ग्यारह लीटर का, तो इनकी वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए थी बराबर होनी चाहिए। अभी वॉल्यूम इक्वल बनानी हम सीख चुके हैं, कैसे बनाएंगे भाई, ये चार लीटर वाला है इसको नीचे ये सात और ग्यारह, ग्यारह सत्ते सत्तर, इस चार को छोड़ दो और बाकी का जो नीचे है उसके साथ गुणा कर दो, ये सात है, ग्यारह चौके चौवालीस से गुणा कर दो। अब इस ग्यारह के लिए सात चौके अट्ठाईस से गुणा कर, इनसे गुणा करने पर इनकी वॉल्यूम इक्वल हो जाए। अब गुणा करके ये वॉल्यूम इक्वल निकालने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे आओ सीधा सत्तर से गुणा करूंगा तो इसको भी सत्तर से गुणा करनी पड़ेगी, और सत्तर को तीन से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सात या इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, दो सौ इकतीस, सत्तर से इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा सत्तर, चौवालीस को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा दो सौ बीस, चौवालीस को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा अट्ठाईस, को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, और अट्ठाईस को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा आठ चौक बत्तीस, चार दूनी आठ, हो गए ये इतना ये इतना ये ये इतना ये इतना, तीनों बराबर हो गए। अब उठा के तीनों को मिला दो, एक बर्तन में डाल दो, एक बर्तन में डालने का मतलब क्या है, एक बर्तन में डालेंगे तो इतना तो उसके अंदर दूध जाएगा, इतना उसके अंदर पानी जाएगा, और इनका जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध इतना और पानी इतना क्या बन गया उसका रेशियो बन गया। अब इसका जोड़ करोगे कितना हो जाएगा, छह रेखे सात, तीन और दो पांच, पांच नौ पांच चौदह, दो और दो चार और एक पांच रेखे छह सौ सैंतालीस अनुपात, इनका जोड़ करोगे एक सौ बारह और अठासी दो सौ, दो सौ और सत्तर ये इतना है, तो ये क्या है मिल्क, ये क्या है वाटर, उस नए बर्तन में इस अनुपात में दूध और पानी होगा। ये कैसे आए, देखो उसने हमें बोला था भाई उसके पास तीन बर्तन है और तीनों का वॉल्यूम क्या है इक्वल है बराबर वॉल्यूम, और अनुपात क्या क्या था, तीन एक का अनुपात, पांच दो का अनुपात, सात चार का अनुपात। मैंने क्या देखा भाई पहले वाले बर्तन में तो कितना लीटर हो गया, तीन लीटर दूध है तो एक लीटर पानी है, टोटल कितने लीटर हो गया चार लीटर, दूसरे वाले में पांच लीटर दूध है तो दो लीटर पानी है, टोटल कितने लीटर हो गया सात, तीसरे में सात लीटर दूध है तो चार लीटर पानी है, टोटल कितने लीटर हो गया ग्यारह लीटर। अब उसने मेरे को एक लाइन पहली लाइन बताई कि इनकी धारिता समान है, यानी इनका वॉल्यूम क्या है इक्वल है, वॉल्यूम बराबर है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके वॉल्यूम को बराबर किया, इसकी धारिता को समान, इसके वॉल्यूम को बराबर मैंने कैसे किया भाई, सारे एक जैसे होने चाहिए, अब एक जैसे होने चाहिए तो चार लीटर। यदि आपको एलसीएम लेने में किसी को परेशानी होती है तो डायरेक्ट क्या कर सकता है, इसका वॉल्यूम बराबर करने के लिए जो चार है इसको छोड़ दो, इसके सामने निचले दो भी इन दोनों की गुणा कर दो, इसको ग्यारह सत्ते सत्तर से गुणा कर दो, अब इसकी गुणा और इनकी गुणा बराबर आती चली जाएगी। अब इसके सामने ये तो इसको छोड़ दिया, इसके 11 हो रहे 4, 11 चौके 44 से मल्टीप्लाई कर, ये कितना है 11 लीटर, इसको छोड़ दिया किससे गुणा कर दिया 7 चौके 28 से, वॉल्यूम बराबर करने के बाद अब मैंने बनाया भाई यहाँ पे ये कितने कितने लीटर था, 70 से यहाँ गुणा करने का मतलब इससे गुणा नहीं, इन दोनों से भी गुणा होगी 70 की, तो यो कितना हो गया 70 तिया 231, 70 एकम है 70, इतने पहले बर्तन में 231 लीटर दूध है तो 77 लीटर पानी, यानी टोटल पहले बर्तन का जो जोड़ करके देखेगा दूसरे बर्तन का जोड़ भी उतना ही मिलेगा, तीसरे का भी उतना ही मिलेगा, चौथे का, इसका जोड़ भी कितना हो जाएगा 308, इसका जोड़ भी कितना हो जाएगा 308, इसका जोड़ भी कितना हो जाएगा 308, सभी बर्तन का जोड़ कितना हो गया 308, 308, 308, तीनों बर्तन एक जैसे हो गए ना, 308 लीटर हो गया तो सभी के अंदर,
उठा के तीनों का जोड़ कर दिया, इतने लीटर दूध होगा, इतने लीटर पानी होगा जो नया बर्तन बनाया उसके अंदर। फिर से सेम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तीन बर्तन है जिनका वॉल्यूम बराबर है, इक्वल है, उसके अंदर दूध और जो पानी का रेशियो है वो अलग अलग है। दूध और पानी का रेशियो क्या क्या, देखो पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में और तीसरे बर्तन में, ये अनुपात है दूध और तीनों बर्तनों से मिलाकर एक बड़ा चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यदि तीनों बर्तनों को मिला दिया जाए तो नए चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। शाबाश, तीन बर्तन है, तीनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो सबसे पहली लाइन तो उनका तीनों का वॉल्यूम ही बराबर करना है। अब ये कितने लीटर का बर्तन हो गया, दो रे के तीन लीटर का, ये कितने लीटर का बर्तन हो गया, नौ लीटर का, ये कितने लीटर का बर्तन हो गया, नौ लीटर का। अब तीनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसको कितने का बर्तन बना दूं, ये नौ नौ के हैं दोनों, तो ये भी कितने लीटर का होना चाहिए, नौ लीटर का ही होना चाहिए। जब इसको भी नौ लीटर का होना चाहिए तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, तीन से, बाकी दोनों नौ नौ के हैं ही, ये भी तीन दिया नौ, तीनों बर्तन कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। अब इसको तीन से गुणा करने का मतलब इन दोनों को भी तीन से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, तीन दूनी तीन एकमे हो गया। अब ये छह, ये चार, छह चार है दस और दो, इस वाले बर्तन में कितने लीटर हो गया, 12 लीटर, इस वाले में तीन, पांच और तीन आठ और सात है, इस वाले बर्तन में कितने लीटर हो गया, 15 लीटर, 12 लीटर दूध है तो 15 लीटर पानी, दोनों कटते हैं तीन से, तीन से काट दो, तीन चौके तीन पंजे किस अनुपात में मिल गए, चार पांच के अनुपात में दोनों मिल गए। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप लोग, एक स्टेटमेंट और लिखो इसके नीचे, एक बार ध्यान से जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो इन दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से समझ लेना, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दोनों में कोरिलेशन होता है। किसी एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया जाता है, उस संख्या को फिर से दोबारा 20% कम कर दिया जाता है, वह संख्या कितने प्रतिशत कम हुई, होगी ना, तो बच गई कितने परसेंट, 64। एक चीज अब समझो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसके पास कोई बर्तन था, ठीक है, पहले बर्तन में 60 लीटर दूध था, 60 लीटर दूध में से उसने क्या किया, 12 लीटर दूध निकाल लिया, 12 भाई 60 लीटर है टोटल, 60 में से 12 लीटर निकाल दिया, यानी 1/5 भाग निकाल लिया, ठीक है भाई, 12 लीटर निकाला, 60 में से निकाला, कितना भाग निकाला, 1/5 भाग, 1/5 भाग का मतलब होता है 20%, 1/5 भाग का मतलब कितने परसेंट होता है, 20%, क्योंकि एक भाग निकाल लिया कितने में से, पांच में से, 1/5 का मतलब क्या होता है, पांच में से एक भाग निकाल लिया, चार भाग छोड़ दिए, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब 1/5 भाग निकाल लिया यानी 20% वो चीज निकाल ली, ठीक है, और उसकी जगह पे 20% क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, 12 लीटर पानी है, वापिस कितने लीटर करके रख दिया उसको, 60 लीटर। एक दूसरा आया, उसने देखा यार इसमें से तो 12 लीटर दूध निकालने के लिए बोला था पानी डालना था, निकाला नहीं है, उसने भी आगे 12 लीटर निकाल दिया और उसमें 12 लीटर पानी, जब दूसरे वाले ने जब 12 लीटर उस मिश्रण में से निकाला है, क्यों सारा 12 का 12 दूध आएगा, जो पानी डाला था पहले उस पानी का परसेंटेज भी तो आएगा ना, अकेला दूध तो नहीं निकल सकता ना भाई, क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण है वो, ठीक है, तो दूध जो निकले, जो पानी निकलेगा वो कितने परसेंट पानी निकलेगा, जितने परसेंट दूध निकलेगा, ठीक है। अब 20% निकाल रहे हैं तो 20% तो दूध निकलेगा, 20% पानी निकलेगा, 20% तो दूध निकलेगा और 20% पानी निकलेगा, आगे बात समझ में, ठीक है, तो इतना दूध निकलेगा और इतना पानी निकलेगा। पहले टोटल कितना था, 60 लीटर, कितने लीटर दूध निकाल लिया, 12, तो दूध में से जो दूध का प्रोडक्ट है, दूध में से कितना निकलेगा भाई,
12 लीटर निकाल दिया, 12 बटे 60, यही तो कहानी होगा, 1/5 या फिर 20%। ठीक है, 12 बटे 60 का मतलब क्या हो गया, 20% निकाल दिया। ठीक है, 1/5 भाग निकाल दिया, इतना निकल गया भाई। ठीक है, 1/5 भाग निकाल दिया। अब दूसरी लाइन पे फिर जाता है, ठीक है, दूसरी लाइन पे फिर जाता है, फिर कितना निकाल देता है, जो ये बचा हुआ इसी का निकाला ना, कितने निकाला, फिर से 12 लीटर निकाला है, तो 12 लीटर का मतलब इसमें से कितना निकलेगा, फिर से 20% निकलेगा, फिर से कितना निकलेगा, 1/5 भाग। ठीक है, फिर से कितना निकलेगा, 1/5 भाग, मल्टीप्लाई भाई 12 बटे इतना दूध अब उसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/5% निकाल दिया, 1/5, ये इस प्रकार से दो बार प्रोसेस में निकाल दिया। जब भी ये सवाल मिले, अगर बात अनुपात में करे, तो इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने लीटर है कितने लीटर नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे कर सकता हूं, 100 था, पहले 20% निकाल दिया, 20% निकाल दिया तो कितने परसेंट रह गया वो, 80%। फिर से 20% निकाल दिया, कितने परसेंट रह गया वो, 80%। 80% निकाल दिया, 2 0 1 0 1 0, 8 8 कितने लीटर रहेगी वो चीज, 64 लीटर। 100 लीटर थी, कितने लीटर रहेगी, 64, कितने लीटर निकल गई, 36 निकली तो है नहीं, जो कम हुई है वो उतना क्या डाल रखा है मैंने, पानी। तो दोनों में अनुपात कितने का है, 64 36, दोनों किससे कट जाएंगे, 4 थे, दूध और पानी का 16:9 का अनुपात। ठीक है, 16 लीटर दूध है तो 9 लीटर पानी। ठीक है, अब अपने 60 वाले पे आ जाओ। ठीक है, यदि 60 से ही करना है तो 60 है, ठीक है, 60 का कितने 12 निकाल दिया, 12 का बस इतना ध्यान रखो, जितना भी निकालता है 12 निकालता है, 10 निकालता है, 8 निकालता है, कितने परसेंट होता है, और 12 कितने परसेंट होता है, 12 किसका बताना है हमें, 60 का। ठीक है, किसका बताना है हमें, 60 का, 12 60 का कितने परसेंट है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, परसेंट पता लग गया आपको, 12 5 60, 5 6 कट गया, कितने परसेंट है, 20% है, कितने परसेंट है, 20% है, नहीं तो 1/5 की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 1/5 20% के बराबर होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट है, 20%, भाई 20% निकल रहा है, 20% कोई चीज निकलेगी तो कितने परसेंट रहेगी, 80%। एक बार प्रोसेस किया 80% रहेगी, दूसरी बार प्रोसेस किया 80%, तीसरी बार भी कर देता 80%, तीन बार कर देता 80 80 80। ठीक है, पूछ लेता कितना पानी और दूध और पानी का अनुपात बताओ, तीन बार प्रोसेस को किया है, तीन बार प्रोसेस को किया, दूध और पानी का अनुपात 0 0 0 0। ठीक है, इसको हो गया। ठीक है, इनकी गुणा 8 का क्यूब है, 512 की 6 से गुणा करते, 6 2 12, 6 1 6 1 7, 6 5 30। ठीक है, बटे में कितना है, 100 100, बटे में कितना है, 100 100, के नाम का 2 पॉइंट के बाद 10 मिलो, इतना दूध रह गया उसके अंदर 30.72, बाकी उसके अंदर क्या हो गया, पानी। पानी कितना हो गया, टोटल कितना था 60, तो वो कितना हो गया पानी, 29.28, इतना दूध है इतना पानी है। दोनों की चीजें कटते हो, काट दो, अनुपात बना दो, इतना दूध और इतने पानी का अनुपात। किसी बर्तन में 80 लीटर दूध है, यदि उसमें से आधा दूध निकाल लिया जाए और आधा पानी मिला दिया जाए, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए, तो 3 बार के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो, दूध और पानी का अनुपात है कितना कितना है, बोल रहा है कितना लीटर है टोटल है, 80 लीटर, टोटल 80 लीटर भाई उसके पास मिल्क था। अब बोलता है पहली बार आधा दूध निकाल लिया जाता है, आधा पानी मिला दिया जाता है, कोई भी चीज आधी निकाली जाती है तो कितने परसेंट निकाली जाती है, तो रहेगी भी कितनी, 50% निकाली तो 50% रहेगी, रहेगी लेनी है, निकाली नहीं, कितने परसेंट बचेगी वो लेनी है, ना कि वो लेनी है कितने परसेंट निकाल ली गई है, तो कितने परसेंट बच गई, 50%, तो 80 का 50% निकाल दिया, 50/100, कितने बार किया ये की है प्रक्रिया, गुणा में 50/100, गुणा में 50/100 कर दिया 3 बार, ये कट गया इससे 2 पे 2 पे
दो पे, और तीन दो छह कट गया, दो के आठ पे, कितना बच गया? दस। दूध कितने लीटर बच रहा है उसमें? दस। बाकी का क्या हो गया? पानी कितने लीटर हो गया? टोटल कितना था? अस्सी। दस लीटर दूध है तो पानी कितना है? अनुपात कितने का हो गया दूध और पानी का एक साथ का? रुपए 117 को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन बांटने वाले ने गलती से 2-3-4 के अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार बांटे जाने पर किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और कितने रुपए का हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? टोटल थे 117 रुपए। 117 रुपए को हमें किस अनुपात में बांटना था? 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। पहली चीज, कभी भी बटे में हो तो बटे को खत्म करने के लिए अनुपात में इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर दो ऊपर, ये बटे अपने आप खत्म हो जाएगा। या फिर तीनों का एलसीएम ले लो, 4-3-2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4-3-2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया। 2 6 3 4 और 4 3 11 शीस अनुपात में बांटनी है, 6 4 3 के अनुपात में। बांटने वाले ने क्या करा, कितने के अनुपात में बांट दे? 2 3 4 के। जो बांटने वाला उसने किसको कितने कितने रुपए दे दिए? 2 और 3 पहले अनुपात का जोड़, टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। अनुपात का जोड़ कितना? 4 3 7 2 9 कितने के बराबर है? 117। एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 117/9 13। इसको कितने रुपए मिल गए? 13 2 26। इसको 13 3 और इसको 13 4 52 मिलने कितने कितने थे? इन दोनों का जोड़, 4 10 और 3 13। 13 अनुपात कितने के बराबर है? 117 के। एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के। इसको कितने मिलने थे? 9 6 9 4 9 3 27। मिलने इतने इतने थे, मिल गए इतने इतने। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? आर को। आर को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 27। कितने रुपए ले गया? कितने रुपए का फायदा हो गया? 25 रुपए का फायदा। अगर पूछता है भाई पी को, पी को मिलने कितने चाहिए थे भाई? 54। मिलने कितने? 26। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 28 रुपए का नुकसान हो गया। क्यू को कितने मिलने चाहिए थे भाई? 36। मिल गए कितने? 39। कितने रुपए का फायदा हो गया? 3 रुपए का फायदा इसने हो गया। 25 का फायदा इसने हो गया, 3 का फायदा इसने हो गया, इसने 28 का नुकसान हो गया। इस प्रकार से बटने थे, इस प्रकार से बांट। देखो एक बार, सबसे पहले एक बार तो आपको क्या देगा? रुपए दे देगा और अनुपात बता देगा सिक्कों की संख्या। एक बार क्या कर देगा? सिक्कों की संख्या दे देगा और अनुपात बता देगा मूल्यों में। अब एक बात को पहले इस चीज को समझना भाई, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके पास जेब में, आपकी जेब में पैसे हैं, रुपए हैं, और मैं उन रुपयों का अनुपात बता देता हूँ। मैं बताता हूँ आपकी जेब में 10 रुपए 20 रुपए और 50 रुपए के नोट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इतने रुपए के नोट हैं, सबसे पहली लाइन कोई भी बात बताए यही देगा, ये 1 रुपए 50 पैसे 2 पैसे सिक्के हैं, नोट हैं, जो भी चीज दे। अगली लाइन में बोलेगा यदि उनके नोटों की संख्या का अनुपात 5:3:2 का अनुपात। अब इस बात का मतलब क्या होया? इस बात का मतलब ये होया, देखो एक बार समझियो, 5 नोट हैं तेरे पास 10-10 रुपए के, क्योंकि किसका अनुपात दिया हमने? नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। तो नोटों की संख्या का अनुपात है, दिया के हमारी संख्या है, नंबर ऑफ नोट। 5 नोट हैं तेरे दौरे 10-10 रुपये के, 3 नोट हैं तेरे दौरे 20-20 रुपये के और 2 नोट हैं तेरे दौरे 50 रुपये। जो इनका अनुपात दे दिया, अब मैं इनका यदि मूल्य बनाऊं, मैं देखूं मैं मेरे पास कितने रुपये हो गए, तो क्या करोगे तुम भाई? 5 नोट 10-10 के कह रुपये हो गए 50 रुपये, 3 नोट 20-20 के कह रुपये हो गए 60 रुपये, 2 नोट 50 के कह रुपये हो गए 100 रुपये। यदि यहाँ पे भी इनका क्यों अनुपात मैंने किसका बना दिया? इसकी वैल्यू का, यानी इसके मूल्य का, मूल्य बना लिया ना हमने, इतने रुपये ये है मेरे द्वारा, इतने रुपये ये है, इतने रुपये ये है। अब उसने मेरे को बताया यदि मेरे पास कुल रुपए 2100 हो तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। कुल रुपए कितने हो? 2100। इब हमारे हिसाब से कुल रुपए उसके पास, अनुपात को काट दो, ए यो हटा दी जीरो, या जीरो हटगी या जीरो हटगी, कितने का अनुपात है? 5 6 10 का। मेरे हिसाब से उसके पास कुल रुपए कितने होने चाहिए? 5 6 11 और 10 21। 21 रुपए होने चाहिए उसके पास। कितने रुपए होने चाहिए? 21 रुपए होने चाहिए मेरे हिसाब से, होने चाहिए थे 21। उसने कितने बता दिए? 2100। तो डिवाइड बाई 21, 1 रुपया कितने के बराबर आ गया मेरा? 100 के। तो ये रुपए कितने हो गए? 500। ये रुपए कितने हो गए? और ये रुपए कितने हो गए? हो गए ना, हो गए 2100 रुपये पूरे। 500 600 1100 1100 और 1000 है,
2100 ई उसने मेरे दो रेन्यू पूछी या बात भी ना पूछी रुपये कितने हैं, उसने मेरे तीन की मेरे तई 20 रुपये के सिक्के की संख्या बता। ये 20 रुपये के कह रहे हो कितने रुपये ले रहा है वो 600 और 600 रुपये ले रहा है और 20 रुपये का एक नोट है तो क्या नोट हो जाएंगे 600 ने 20 तो भाग कर दूं नोटा की संख्या आ जाएगी 600 बटे में 20 600 ने 20 तो भाग करूंगा क्या 20 के उधर है 30 नोट है 20-20 के नोट ले रहा 30 पूछ लेता भाई 10-10 के नोट बता क्या रुपये ले रहा 10-10 के 500 रुपये ले रहा तो नोट क्या ले रहा होगा 50 10-10 के रुपये ले रहा 500 रुपये ले रहा है तो तुम जब वो बता दो मैं कहूँ भाई मेरी गोद में 500 रुपये हैं और 10-10 के सारे बताओ मैं क्या नोट ले रहा हूँ तो क्या नोट ले रहा हूँ मैं 500 बटे में 10 एक व्यक्ति 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों की संख्या एक थैले में लिए हुए यदि नोटों की संख्या का अनुपात 8:2:5 का अनुपात उसके पास कुल 3200 रुपये हों तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करो 5 रुपये के हैं 8 कितने रुपये हो जाएंगे 8×5=40 रुपये 10 रुपये के हैं दो नोट क्या रुपये हो जाएंगे 20 रुपये 20 रुपये के हैं 5 नोट क्या रुपये हो जाएंगे आगे सारे रुपये इब रुपया में अनुपात 20 एक में और 20 पंजे 5:2:1 का अनुपात रुपया टोटल जोड़ कितने रुपये हो गए हमारे 5×2=7 हमारे 8 रुपये हैं उसके कितने रुपया के बराबर हैं 3200 हमारे 8 रुपये उसके 3200 रुपया के बराबर हैं हमारा 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 3200/8 कितना हो गया 1 रुपया हमारा 400 के बराबर है 1 रुपया बराबर है 400 तो ये कितने रुपये थे हमारे 2 कितने के बराबर हो जाए 400 × 2 ये तो 800 है ये 400 एक में और ये 400 × 5 इतने इतने रुपए उसके पास कौन से नोटों की संख्या पूछी है उसने 5 रुपए के 800 रुपये हैं और नोट क्या रुपये के ले रहा हूँ 5 रुपये के तो कितने नोट हो जाएंगे 800/5 800 × 5 तब आकर कितना आ जाएगा 160 कितने हो जाएंगे 160 नोट है भाई 5-5 के पूछता 10-10 के नोट बताओ कितने हैं क्या रुपये ले रहे हैं 400 एक नोट क्या रुपये का है 10 का तो क्या नोट हो जाएंगे 40 पूछता भाई 2000 रुपये हैं नोट बताओ 20-20 के क्या ले रहा था 2020 तो भाग कर देता क्या नोट ले रहा था 100 नोट ले रहा था यो अगर इसके सिक्के अगर वैल्यू का